तो दोस्तों, अगर आप एक बजट में बड़े डिस्प्ले के साथ एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच सर्च कर रहे हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भर भर के आपको फीचर्स चाहिए, क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आइए टेस्टिंग करते हैं इस स्मार्टवॉच की आज। और हाथों में टाइटली स्मार्टवॉच को पहन लिया है, कुछ हम स्टेप्स चलते हैं, चेक करते हैं कितनी एक्यूरेसी मिलने वाली इसके स्टेप काउंटिंग को लेके। थोड़ा पार्क साइड में वैसे बैठा हूँ, स्मार्टवॉच के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ तुम्हें कैसी आ रही है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के? अगर आप एक बजट में बड़े डिस्प्ले के साथ एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच सर्च कर रहे हैं ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर के साथ, तो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ये है एमरेन फायर ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच और इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 2000 रुपीज के आसपास है लॉन्च प्राइस। प्राइस पॉइंट थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहां पर आपको बड़ा 2.04 इंचेस का एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर। 800 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फीचर्स आपको भर भर के मिलने वाला है। मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ हूं, आपको सारी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा, एक ही डिटेलिंग चेक करेंगे स्मार्टवॉच के बारे में, ताकि अगर आप एक बजट में सारे बिल्कुल बोल सकते फीचर्स से स्मार्टवॉच सर्च कर रहे हैं, एंड तक पहुंचते डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो कर लेते हैं शुरुआत सबसे पहले बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको एमरेन फायर एमोलेड कॉलिंग स्मार्टवॉच का ऐसे बिल्कुल आपको डिसेंट सा बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से। साइड में काफी फीचर्स मेंशन्ड है, बैक साइड में भी काफी फीचर्स मेंशन्ड है, सब डिटेलिंग में आगे चेक किए जाएंगे। इसको करेंगे क्विकली अनबॉक्स, एक एक चीज प्रॉपर तरीके से पैक्ड है। सबसे पहले आपको मिलने वाला है एक रिव्यू कार्ड, इसको आप रिव्यू कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, ब्रांड के बारे में इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही में आपको एक यूजर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए QR कोड दिया गया है, पेपर वर्क बचाने का एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। एक यहाँ पे आपको एडिकेट लेंथ की आपको केबल मिलेगी टू चार्ज योर स्मार्टवॉच। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्टवॉच यू विल बी गेटिंग। इसका फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहां पर आपको 20mm के मेटालिक स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, काफी बढ़िया क्वालिटी मेंटेन की गई है स्ट्रैप्स की। इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं, प्रॉपर आपको हिंजेस मिलने वाले, इसको आप रिमूव कर सकते हैं यहां से। और वॉच के बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट, बिल्ट इन सेंसर्स, बिल्ट इन माइक्रोफोन और बिल्ट इन यहाँ पे आपको स्पीकर मिलने वाला है। हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे कैसा इसका ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट है। एक मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाला है और पूरी यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइट वेट स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। सो मेनली अगर आपको मेटालिक स्ट्रैप चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए, लुक एंड फील काफी आपको प्रीमियम मिलने वाला है, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 2.04 इंचेस का एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है 800 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इस तरीके के यहाँ पे आपको बेजल्स मिलने वाले हैं, व्यूइंग एंगल्स काफी आपको परफेक्ट मिल जाएंगे, इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। और इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से, अल्ट्रा स्मूथ तरीके से आप यूआई को यूज कर पाएंगे, यूज करने में यूजर इंटरफेस को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे, यहां से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहां पे आपको मिलने वाला है जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है, ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, वाइब्रेशन में आप ऑन ऑफ कर सकते हैं वाइब्रेशन अलर्ट्स को, ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और आउटडोर कंडीशन की ब्राइटनेस की बात करेंगे, बढ़िया आपको परफेक्ट आउटडोर कंडीशन में ब्राइटनेस मिल जाएगी, आप हैवी सनलाइट में यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसको यूटिलाइज करने में। ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ऐसे ही बिल्कुल जो शेक एंड टिल द वॉच टू हेल्प द वाटर आउट, ऐसे यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा फीचर दिया गया है टाइम पास करने के लिए। साथ ही में आपको मिल जाएगा वेदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट फ्यू डेज का वेदर फोरकास्ट भी चेकआउट कर सकते हैं इस तरीके से। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो मल्टीपल आपको सेटिंग्स मिलने वाली है। इसमें आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा ऑटो स्लीप का ऑप्शन, इसमें आपको मिनिमम 5 सेकंड्स मैक्सिमम 30 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया है, सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेन्यू व्यू में आपको 3 स्टाइल दिए गए हैं, ग्रिड व्यू आपको मिल जाएगा, लिस्ट व्यू मिलने वाला है और पैरेलल व्यू मिलने वाला है, जो आपको मेन्यू व्यू पसंद आता है सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ आपको बिल्ट इन वॉच फेसेस मिलने वाले हैं बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, यहाँ पे आपको जो वॉच फेस पसंद आए आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। वाइब्रेट एंड रिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन पे रखना है, रिंग पे रखना है, वाइब्रेट एंड रिंग पे रखना है या म्यूट करना है स्मार्ट वॉच को, यहाँ से आप कर पाएंगे। इंटेंसिटी आपको वाइब्रेशन की सॉफ्ट चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चाहिए सेट कर सकते हैं यहाँ से। लो पावर मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, थिएटर मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फोन कॉलिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑडियो ब्लूटूथ अगर आप चाहते हैं इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहते हैं जो बिल्ट इन स्पीकर है स्मार्ट वॉच में उसके थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर पाएं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ करेंगे जो फोन का स्पीकर है उसको यूटिलाइज करेगा। मैं आपका इसका जो बिल्ट इन स्पीकर का टेस्ट है वो भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, म्यूजिक टेस्ट। साथ ही में कॉल रीसेट कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक मिलने वाला है। डिजिटल क्लॉक में आपको ऐसा लुक एंड फील का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, एनालॉग क्लॉक में आपको ऐसा लुक एंड फील का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है, सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिस्टम में आप जाएंगे तो आप रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट का ऑप्शन मिलने वाला है, स्मार्ट वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये सब आपको चीजें मिलने वाली इसके सेटिंग्स पार्ट में।
और यहां से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है नोटिफिकेशंस पार्ट को लेके, ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। पॉइंट यहां पे आपको सही मिल जाएगा, स्क्रॉल करके आप फुल मैसेज रीड कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और यहां से स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिल जाएगा ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर, इसमें आपको प्रॉपर डायल पैड मिलने वाला है, कॉलिंग कर सकते हैं, किसी का कॉल आएगा तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको यूनी पेयर ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया, मतलब सिंगल चिप से ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है। लगे थे कॉलिंग का टेस्ट भी देख लीजिए आप। हेलो, हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, चाय बन रही है, अदरक वाली। अदरक वाली चाय बन रही है, चलो बढ़िया। अरे अभी मेरे पास यहाँ पे ना एम्ब्रेन ब्रांड की तरफ से एक एम्ब्रेन फायर एक स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है, तो उसमें ना ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी है, तो उसका ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा पार्क साइड में वैसे बैठा हूँ, स्मार्ट वॉच के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ, मेरी आवाज तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, वोकल्स काफी क्लियर है, ठीक है। बाकी कोई यहाँ से केले वाला जा रहा है वो चिल्ला रहा है पीछे, थोड़ा बहुत यहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज, उसको लेके कोई दिक्कत आ रही तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज अच्छे से, काफी अच्छे से फोकस्ड है, बल्कि मुझे लग रहा है ईयरबड्स के थ्रू ना करके स्मार्ट वॉच से ही बात करनी चाहिए। अच्छा ऐसा, अच्छी आ रही है ना ओवरऑल कॉलिंग, सही है ना? मस्त आ रही है, ठीक है दीक्षा, थैंक यू। और कॉल के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, स्पीकर की लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और आप स्विच कर सकते हैं आपको फोन से बात करनी है कि स्मार्ट वॉच से बात करनी है, और यहाँ पे आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर काफी इंप्रेसिव वे वर्क करता है, रिकॉर्डिंग सुन के आपको अंदाजा लग गया होगा। साथ ही में आपको स्टेप काउंटिंग मिलने वाली है, कितने आपने स्टेप चले हुए, कितनी कैलोरीज बन गई, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वॉइस एसिंग का फीचर मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद सिंपली अगर आप टैप करेंगे स्मार्ट वॉच में, जो भी आपका फोन का वॉइस एसिंग फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड्स देके यूटिलाइज कर पाएंगे। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको शॉर्टकट्स चाहिए, यहाँ पे यहाँ से आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको स्टेप काउंटिंग का ऑप्शन, फोन कॉलिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो काफी आप देख सकते हैं क्लोज रीडिंग दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट किट में और स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को लेके। सेम आपको यहाँ पे क्लोज रीडिंग मिल सकती है ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेके भी। कैजुअल पर्पज के लिए अगर आपको कैजुअली चेकआउट करना है स्मार्ट वॉच को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन परफेक्शन चाहिए, एक्यूरेसी पार्ट से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हेल्थ सेंसर्स को लेके। हमेशा ये रिकमेंड करूंगा जो हेल्थ इंस्ट्रूमेंट किट्स आते हैं उनको यूटिलाइज कीजिएगा फॉर परफेक्ट एक्यूरेसी। साथ ही में एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले, आप देख सकते हैं मल्टीपल आपको कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिल जाएंगी। अगर आप फिटनेस फ्रीक है जो आपको एक्टिविटी करनी है यहाँ से आप ट्रैकआउट कर सकते हैं। और सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, हाथों में मैंने टाइटली स्मार्ट वॉच को पहना था, अप्रॉक्सीमेटली घूम फिर के मैं 49 स्टेप्स के आसपास चल के आया था और स्मार्ट वॉच में दिखा रहा था 47 स्टेप्स के आसपास, तो काफी आपको क्लोज रीडिंग मिलने वाली है। हल्की फुल्की ऊपर नीचे दो तीन स्टेप दिखा सकता है कभी कभी, लेकिन हाथों में आप टाइटली स्मार्ट वॉच को पहनेंगे काफी आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है इसके स्टेप काउंटिंग को लेकर। एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स चेकआउट कर सकते हैं, मैसेजेस, वॉइस एसिंग का फीचर, वेदर इन्फॉर्मेशन, कैमरा शटर, म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के थ्रू ही प्ले पॉज कर सकते हैं ट्रैक्स को, ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, जो स्पीकर की लाउडनेस है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और जो बिल्ट इन स्पीकर दिया गया है उसके थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर पाएंगे, उसका भी साउंड टेस्ट देख लीजिए आप लगे हाथ। अलार्म सेट कर सकते हैं, स्टॉप वॉच, टाइमर, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्ट इन आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, इमरजेंसी के टाइम पे इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिलने वाला है, टैप टैप करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए QR कोड दिया गया है, सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो ये सब आपको चीजें मिलने वाली है इसके स्मार्ट वॉच में एप्लीकेशन पार्ट में। और इसमें आपको IP67 वाटर रेजिस्टेंट फीचर दिया गया, अगर आप एक्टिविटीज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, स्वेट आता है, रेन में यूटिलाइज करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच को। और इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे तो DiFit एप्लीकेशन का सपोर्ट करती है स्मार्ट वॉच। जैसे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे फ्रंट पेज में आपने जितनी भी एक्टिविटीज की, स्टेप काउंटिंग को लेके, सेंसर्स पार्ट को लेके, यहाँ से आप ट्रैकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बिल्ट इन GPS है आपके फोन का, यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए, अगर आप एक्टिविटीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं एप्लीकेशन से आप ट्रैकआउट कर सकते हैं प्रॉपर एक्टिविटीज। और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा बैटरी परसेंटेज स्मार्ट वॉच की, यहाँ पे आपको मल्टीपल वॉच फेसेस मिलने वाले चेकआउट कर सकते हैं। फेस गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 100 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलने वाले अलग अलग कैटेगरीज में, जो आपको वॉच फेस पसंद आ रहा है अलग अलग कैटेगरीज दी गई है, सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और एडिट पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टीपल आपको प्रीसेट्स मिलने वाले हैं, AI वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पे आप सिंपली किसी भी चीज का फोटो लेंगे फिर आप जनरेट करेंगे तो AI बेस्ड वॉच फेस जनरेट करके आपको दे देगा, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे।
और आपके फोन में जो स्टोर्ड है आपकी खुद की पिक्चर, आपको वॉच फेस में लगाने, यहाँ से आप कर सकते हैं, टाइम पोजीशन चेंज कर पाएंगे, टेक्स्ट कलर चेंज कर पाएंगे, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेके। नोटिफिकेशन में आपको कौन कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन चाहिए यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन, अलार्म सेट कर सकते हैं, कैमरा शटर का ऑप्शन मिलने वाला है जो कि इस एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है। यहाँ पे जो शटर दिया गया है स्मार्ट वॉच में, उसको अगर आप सिंपली टैप करेंगे एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी। फेवरेट कॉन्टेक्ट में आप 8 डिफरेंट कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं जो भी आपके फेवरेट दोस्त हैं, और अदर्स में आप जाएंगे तो मल्टीपल आपको सेटिंग मिलने वाली है, टाइम फॉर्मेट, यूनिट सिस्टम। लैंग्वेज में आप जाएंगे तो इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन भी मिलने वाला है, मल्टीपल आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में भी यूटिलाइज करना है स्मार्ट वॉच को, ये भी एक प्लस पॉइंट है, यहां से आप कर सकते हैं। स्क्रीन ऑटो लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, क्विक व्यू का ऑप्शन, फोन म्यूजिक कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, वेदर इन्फॉर्मेशन, हेल्थ सेंसर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, और गूगल फिट का ऑप्शन मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन बिल्कुल यूजफुल है, इसको आप कनेक्ट करके स्मार्ट वॉच से प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं स्मार्ट वॉच की। और बैटरी बैकअप की बात करेंगे, इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हैं, आप बिल्कुल ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करेंगे लगभग आपको 2 दिन के आसपास बैटरी लाइफ मिलने वाली हैवी यूसेज पर। नॉर्मल यूसेज करेंगे, एडिकेट यूसेज करते हैं स्मार्ट वॉच का बिल्कुल डिसेंट तरीके से, 4 to 5 days के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी। डिसेंट यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है बड़े डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले के हिसाब से। सो भाई मेरे हिसाब से इसमें आपको फीचर्स भर भर के मिलने वाले हैं जो कि दूसरी स्मार्ट वॉचेस 3-4 हज़ार में प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल बजट में आपको प्रोवाइड कर रही है। इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही थम्स अप है। मैंने आपको सारी टेस्टिंग दिखा दी, प्रोज एंड कॉन्स बता दी, आप पे डिसीजन मैटर करता है इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, पॉसिबल लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके डेफिनेटली इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च एमरेन फायर ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.